हाँ भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो, ठीक, चेक करना आवाज़ आ रही या नहीं आ रही ऑनलाइन वालों। हेलो जैनक्स पहाड़ी, चेक करना आवाज़ आ रही या नहीं आ रही, बस बस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, नोटबुक निकाल के रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपरली लिखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इजी सा चैप्टर है, ठीक, आराम से पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे पढ़ना है, सारी डिटेलिंग पे काम करेंगे। फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे, इसमें बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आए थे, ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर है जो आया है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आए हैं, ठीक ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करेंगे टॉपिक में क्या क्या है, ध्यान से देखेंगे इधर। हाँ ठीक, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा x बराबर होता है फॉर्मूला, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक। अब होता क्या है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता था, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, या फिर इक्वल टू 0 आता है, तो हम बोलते हैं रियल रूट है, कैसे रूट है, रियल रूट। बट अगर यही डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता था तो हम कभी भी रूट्स नहीं निकालते थे और बोलते थे इमेजिनरी रूट्स या अनरियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स और अनरियल रूट्स, ठीक। किसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, एक में वास्तविक होंगे एक में काल्पनिक होंगे, तो काल्पनिक जो रूट्स होते हैं या काल्पनिक जो मूल होते हैं, ठीक, उनको निकाला नहीं जाता था, ठीक। तो वहीं से ये टॉपिक आया है बेसिकली, ये ध्यान रखो, पहले टॉपिक का ओरिजिन कहां से हुआ, टॉपिक का ओरिजिन हुआ है आपका कहां से, इमेजिनरी रूट से, किससे हुआ है, इमेजिनरी रूट। अब ये इमेजिनरी रूट निकालने के लिए हमने इस टॉपिक को डिस्कस करा है, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है आयोटा, क्या होता है आयोटा, आयोटा का सिंबल होता है स्मॉल आई, ठीक है, आयोटा होता है स्मॉल आई के बराबर, ठीक। अब आगे देखेंगे, आई बराबर होता है रूट माइनस वन के बराबर, साथ साथ लिखते रहना, आई की वैल्यू सबसे पहली वैल्यू आई की रूट माइनस वन, ठीक है, आई बराबर रूट माइनस वन। अच्छा आयटा का स्क्वायर करो जरा, स्क्वायर कितना आएगा इसका, माइनस वन, ठीक है, स्क्वायर करने का ये मतलब होता है, क्यूब करोगे, क्यूब का हमेशा एक साथ आयटा स्क्वायर इंटू आयटा लिखा जा सकता है, क्यूब मतलब दो पावर और एक पावर, ठीक है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू आयटा कितना आएगा, माइनस आयटा, चलेगा यहां तक, ठीक। इसके बाद आयटा की पावर अगर 4 कर दी, आयटा की पावर 4 मतलब आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर बराबर माइनस वन इंटू माइनस वन कितना आएगा आंसर, 1। तो ये चार वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए जिंदगी में हमेशा, सबसे पहली आयटा की वैल्यू रूट माइनस वन होती है, आयटा स्क्वायर इज माइनस वन, आयटा क्यूब माइनस आयटा एंड आयटा की पावर 4 होता है 1, ये चार वैल्यू प्राइमरीली आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक, आयटा की इन चार वैल्यू पे अच्छे से काम करेंगे, सबसे पहले तो यहीं पे क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इन वैल्यूज पे, ठीक है। देन बहुत बढ़िया, अगली चीज पे आगे बढ़ते, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में जो है हमारे सामने, ये आप लोगों को पता है जैसे बचपन में 1/√2 होता था, क्लास 9 में पढ़ा होगा 1/√2 आया, नीचे कभी भी रूट को नहीं रखते, रखते या नहीं रखते, नहीं रखते कभी भी, अच्छा क्यों नहीं रखते, इसके ऊपर जरा डिस्कस करते, नीचे कभी रूट क्यों नहीं आता, क्योंकि रूट जो होता है एक हमारा, इट इज इरेशनल मींस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, कहां नहीं रखा जाता, डिनोमिनेटर में,
तो इसीलिए हम यहाँ पे करते थे रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करते थे, ठीक है। कैसे करते थे अगर आप लोगों को याद हो तो, वन अपॉन रूट टू है तो ऊपर भी रूट टू से मल्टीप्लाई, नीचे भी रूट टू से मल्टीप्लाई, ठीक है, पक्का याद आ गया। अगर ऐसी एक और चीज होती थी, वन अपॉन फाइव प्लस रूट टू होता था, तब टीचर बोलते थे एक काम करो बेटा, फाइव माइनस रूट टू, नीचे फाइव माइनस रूट टू, हाँ या ना, याद आया कि नहीं आया, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करते सॉल्व करते थे, आंसर आ जाता था बिना किसी दिक्कत के। उसी तरीके से नीचे आयोटा भी नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता नीचे आयोटा, अगर नीचे कभी आयोटा आया वन अपॉन टू आयोटा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई, और अगर नीचे वन ऐसा है मान लो थ्री प्लस फोर आयोटा, तो ऊपर करेंगे थ्री माइनस फोर आयोटा से, नीचे थ्री माइनस फोर आयोटा से। क्लियर कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सी बात बताई कि जैसे नीचे रूट नहीं आता वैसे ही नीचे आयोटा भी नहीं आ सकता। क्लियर ये चीज, ठीक। अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें चाहिए, ठीक है, अगली चीज पे आते फिर हम लोग। अगली चीज है हमारे पास, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्या बोला, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ध्यान देखेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, किससे डिनोट करते हैं जेड, तो एक लाइन लिख देना, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जेड, स्मॉल जेड। अच्छा, इसके अब नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। अब यहाँ पे ए क्या है बी क्या है देखेंगे ध्यान से। जो ए होता है, ए इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ जेड, क्या बोलते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ जेड। अब रियल पार्ट ऑफ जेड क्यों बोला, इसके ऊपर भी बात करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड इसको ऐसे डिनोट करते हैं आर ई ऑफ जेड। अच्छा, ऐसे बी, बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको लिखते हैं हम आई एम और ब्रैकेट में जेड से, ठीक। कुछ क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं क्या रियल पार्ट ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इधर देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन आया थ्री प्लस फोर आयोटा, खुद देख के बताओ इसमें रियल पार्ट कौन है इमेजिनरी पार्ट कौन है, थ्री इज रियल पार्ट, यानी ए हो गया थ्री और बी क्या होगा फोर, बी इज फोर, खाली फोर पार्ट से मतलब है, ठीक है, ठीक है। ऐसी सेवन माइनस फोर आयोटा, ए कितना होगा सेवन, बी कितना होगा माइनस फोर, ये समझ में आ गया, पहले बेसिक बेसिक चीज है, एग्जाम्पल करके लिखना चाहते हो लिख सकते हो साइड में, है ना, ठीक। आई बराबर होता है यहाँ पे आयोटा, है ना, आई बराबर आयोटा, आई तो आयोटा हो गया, इतना डर। चलिए अगली चीज बढ़ता है। अब जिस नेक्स्ट चीज के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, बहुत ही इजी सी चीज है, ठीक, फिर इसमें मिक्स क्वेश्चन करने ध्यान देंगे सब कुछ, देखेंगे सबसे पहले हैंड डालेंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ध्यान देखेंगे सब कुछ। मॉड्यूलस होता है जैसे हमारे पास जेड है, अभी बात करा ए प्लस आईटा बी, बोला अभी सबने जेड बराबर ए प्लस आईटा बी, तो मॉड ऑफ जेड होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी मॉड्यूलस को हम आर से भी नोट करते हैं, किससे आर, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं रिजल्टेंट भी बोलते हैं कुछ लोग, या मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका नाम है बस, ठीक है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आपको पता होना चाहिए इसका वैल्यू। मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रहेगा, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म, नन, अच्छा ठीक। अगली चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको साइड करते हैं, हैंड डालेंगे सबके सब, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट हैंड डालो, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ब्रैकेट में इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड,
आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक, इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसे लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ऐसा इसका सिंबल होता है, ए आर जी ऑफ जेड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये इसका सिंबल होता है लिखने का तरीका। ठीक, आगे देखेंगे, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझना है, इधर देखेंगे। हाँ सर, जरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकाला जाता है, इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है। सबसे पहले स्टेप नंबर वन, स्टेप वाइज लिखेंगे, स्टेप वन लिखेंगे। पहला स्टेप, आप क्या करिए, टेन अल्फा फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, टेन अल्फा, टेन अल्फा होता है मॉड बी अपॉन ए, फॉर्मूला होता है टेन अल्फा का मॉड बी अपॉन ए, साथ साथ लिखिए टेन अल्फा बराबर मॉड बी अपॉन ए। ठीक, बहुत सिंपल है, टेन अल्फा मॉड बी अपॉन ए। टेन अल्फा इज मॉड बी अपॉन ए। स्टेप नंबर टू, स्टेप वन हुआ टेन अल्फा माना आपने मॉड बी अपॉन ए, स्टेप नंबर टू की तरफ जब हम जंप करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। स्टेप नंबर टू में एक टेबल याद रखनी है, बहुत सिंपल सी, ऐसा ए एंड बी क्वाड्रेंट और थीटा यानी आर्ग्यूमेंट, ये एक टेबल याद रखनी है, इसी से सारा आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने। कैसे, ध्यान देखो, सबसे पहले मैंने बोला अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, प्लस प्लस, ये होती है एक्सिस, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर यहाँ प्लस प्लस होता है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस प्लस, दिस इज माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस माइनस। चलिए प्लस प्लस हुआ, इसके बाद माइनस प्लस, इसके बाद माइनस माइनस और इसके बाद प्लस माइनस। ठीक है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना थीटा बराबर होता है अल्फा के, थीटा किसके बराबर होता है, अल्फा के, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई, और लास्ट में थीटा बराबर माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, यही आप लोगों को अच्छे से हेल्प करेंगे, इनको नोट कर लीजिए पूरे के पूरे फॉर्मूले को कंप्लीट। आर्ग्यूमेंट निकालते टाइम बस इन चीजों का ही ध्यान रखना है, ठीक, अपने आप आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, अब क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन करना, इतनी नॉलेज से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेके चल लेंगे अभी। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, स्टार्टिंग से क्या बताया आप लोगों को आपके सामने रखते हैं, ताकि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले आईटा की चार चीजें हमें याद रखनी है, आईटा के बारे में, आईटा की वैल्यू रूट माइनस वन, आईटा स्क्वायर माइनस वन, आईटा क्यूब माइनस आईटा, और आईटा की पावर फोर कितना होता है, वन। ये चार चीजें आपको याद होनी चाहिए पहले पेज से, ठीक है, फर्स्ट पेज में याद होना चाहिए। सेकंड पेज में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नीचे कभी भी आयटा नहीं आना चाहिए, अगर आयटा आया है तो उसका रेशनलाइजेशन की तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये याद हो गया। ठीक, तीसरा पॉइंट जो हमने सीखा वो ये सीखा कि रियल पार्ट कौन होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन होता है, मतलब ए कौन होता है और बी कौन होता है, ये यहाँ का इस पेज का ये कंक्लूजन है। लास्ट, मूविंग ऑन, लास्ट पेज में हमने सीखा मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस दिख रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका ये, पहले टेन अल्फा फाइंड करो फिर टेन अल्फा के अकॉर्डिंग इस पे काम करो, आर्ग्यूमेंट पे टेबल याद रखनी है, बस इतना हो गया। ठीक, इन चीजों को सामने रख के अब कुछ क्वेश्चन करने के स्टार्टिंग करते हैं, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, अपने पेन चलाते रहना और आंसर देते रहना फटाफट। ठीक है, आ जाओ फटाफट, पहला क्वेश्चन, फाइंड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसका मॉडुलस फाइंड करना है, यह है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, जरा फटाफट इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करिए, देखते कौन करता है फटाफट आंसर। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन भी है करेंगे जरा फटाफट स्टार्ट। देखो इसको करने के दो तीन तरीके, ठीक है,
एक हार्ड तरीका भी बताऊंगा, एक आसान तरीका भी बताऊंगा। थोड़ा सा पहले हार्ड तरीके पे जाते हैं। हार्ड तरीका ये है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर का तब तक मॉड मत निकालो जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, कैसे लाएंगे, नीचे आयटा आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उसको हटाएंगे। तो ऊपर 6 + 8 आयटा से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 + 8 आयटा से मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 + 4 आयटा, मल्टीप्लाई होगा 6 + 8 आयटा से। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 8 आयटा का स्क्वायर, ऐसे होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 = 18 प्लस 3 8 = 24 आयटा, 4 6 = 24 आयटा एक और है ना, फिर 32 आयटा स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 8 आयटा स्क्वायर 64, और आयटा स्क्वायर होता है माइनस 1। आयटा स्क्वायर आएगा ना, आयटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1। अब इसको देखने ध्यान से, 18 जो तुम्हें दिख रहा है वो करो, 18 प्लस 24 प्लस 24 48 आयटा। अच्छा आयटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये माइनस 32 हो जाएगा। ऊपर नीचे क्या बनेगा, 36 माइनस 64, 36 प्लस का 64 हो जाएगा, क्योंकि आयटा स्क्वायर होता है माइनस 1। 18 माइनस 32 कितना होता है माइनस का 14 प्लस 48 आयटा अपॉन 36 प्लस 64 इज 100। तो चाहो तो ऐसे कर लो, माइनस 14 अपॉन 100 प्लस 48 अपॉन 100 आयटा। अब मॉड निकालो, ठीक है, ये काम पड़ गया थोड़ा लेंदी। कैसा पड़ गया, लेंदी, पूरा सॉल्व करा, लास्ट में आंसर भी आएगा ऐसा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका, ध्यान देंगे, दूसरा तरीका ध्यान देंगे, दूसरा तरीका ये है कि एक काम करते हैं, ऊपर क्वेश्चन था 3 + 4 आयटा, नीचे था 6 - 8 आयटा, तो एक काम करो, अपॉन में तो है ही वो पहले से ही, तो ऊपर वाले का मॉड निकालो और नीचे वाले का मॉड निकालो और डिवाइड कर दो। ऊपर वाले का मॉड कितना आएगा जरा निकालते, ऊपर वाले का मॉड, मॉड निकालने का तरीका भी आप लोग क्या बताया था, अंडर रूट 3 2 + 4 2 यही होगा, और नीचे वाले का मॉड निकालोगे तो अंडर रूट 6 2 + -8 2 चलेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 + 16 अपॉन किसका आएगा, 6 का स्क्वायर 36 + 64, तो कितना आएगा इसका, रूट 25 होता है 5, और नीचे 100 बनेगा, 100 होता है 10, तो 5/10 सॉल्व करके हाफ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो तरीका आपको सही लगे उससे आप कर सकते हैं। नोट करिए जरा फटाफट, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, फटाफट नोट करो इसको। गुड मॉर्निंग भाई, ठीक, डन, बहुत बढ़िया। जरूरत नहीं पड़ी, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हटा दो, ठीक, कर लेना, हो जाएगा, ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आगे रख के रखते हैं, लास्ट में नोट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब देखो आंसर तुम्हारे जल्दी जल्दी आंसर फटाफट। क्वेश्चन है, फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - आयटा, जरा फटाफट निकालो, 1 - आयटा का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक, ईजी सा, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है इसका, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस मॉड ऑफ जेड होता है अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा 1 + 1 कितना होता है 2 √2। आर्ग्यूमेंट कैसे निकलता है, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले मैंने कहा था 10 α निकालो, बोला था। अच्छा ए कितना है, ए है 1, बी है माइनस 1, बताया था ये, तो 10 α होता है मॉड बी अपॉन ए, यानी मॉड बी अपॉन ए, तो 10 α कितना हुआ, मॉड के अंदर तो सब पॉजिटिव, तो 1 α, देखो भाई कंपेयर करेंगे, 10 α बराबर 10 45 45, कल बताया था मैंने डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका, पाई बाय 180 से, तो ये बन जाएगा 10 π/4, तो α आ गया π/4। अगली चीज,
ए प्लस में है, ये माइनस में, प्लस और माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है प्लस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट होता है प्लस माइनस, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर माइनस का पाई बाय फोर, तो ऑप्शन होगा मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछा है तो रूट टू और माइनस पाई बाय फोर इज द आंसर, रूट टू और माइनस पाई बाय का आंसर, ठीक है, रूट टू और माइनस पाई बाय फोर आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू, हो गया ये डन, दिस इज क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो पक्का, चलिए नोटेड, आगे रखते हैं और ना कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट में इसकी फोटो चाहिए होगी तो बता देना, लास्ट में फोटो भेज देंगे सारे पेजेस की, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा, अगला ध्यान देंगे सबके सब, वन प्लस आयटा, वन प्लस आयटा स्क्वायर, वन माइनस आयटा स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, वन माइनस आयटा स्क्वायर और लास्ट में वन प्लस आयटा का क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दिख रहा है सारी की सारी वैल्यू, वन प्लस आयटा, वन माइनस आयटा स्क्वायर और वन प्लस आयटा क्यूब की पूरी वैल्यूज फाइंड करनी है, जरा फटाफट वैल्यूज फाइंड करो, चलो देखो, वन प्लस आयटा ऐसी रखते हैं, वन माइनस आयटा स्क्वायर की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या बोली थी, आयटा स्क्वायर क्या था चेक करो वो टेबल, आयटा की वैल्यू रूट माइनस वन, आयटा स्क्वायर किसके बराबर था माइनस वन, तो इसको लिख दो ब्रैकेट में माइनस वन, अच्छा वन प्लस आयटा क्यूब किसके बराबर था माइनस आयटा लिखाया था ये, चलो भाई वन प्लस आयटा ऐसी रखते हैं, वन माइनस माइनस प्लस वन, वन प्लस वन कितना होता है टू और ये वन माइनस आयटा, टू को आगे लिख दो मल्टीप्लाई करो, वन प्लस आयटा और वन माइनस आयटा यही तो करना है, अब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वन का स्क्वायर माइनस आयटा का स्क्वायर, अच्छा वन का स्क्वायर कितना होता है वन माइनस आयटा स्क्वायर माइनस वन, ये सॉल्व होगा आपका कंप्लीट टू और अंदर बनेगा वन प्लस वन, है ना, तो टू प्लस टू इंटू टू क्या होता है फोर, आंसर फोर आंसर इसका, कितना आंसर आंसर फोर, ठीक डन, नोट कर लेना आराम से इसको, कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, तो अच्छा एक चीज और होती है, कॉन्जुगेट क्या होता है ये भी लिख लेंगे, कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट मतलब होता है अगर आपके पास जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयटा भी होता है, तो कॉन्जुगेट मतलब ये होता है जो आयटा के आगे वाला नंबर है बस उसका साइन चेंज करना है, तो प्लस का उल्टा क्या होता है तो मैं ए माइनस आयटा भी बस, और माइनस होता तो प्लस बना देना है, आयटा के आगे जो साइन होगा अगर वो प्लस है तो माइनस बना दो और माइनस है तो प्लस बना दो, बस कॉन्जुगेट का मतलब, और सिंबल होता है जेड के ऊपर डैश, ये बाहर लगा हुआ ना इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, हो गया ये, ठीक है आपके काम आएगा अभी, करें एक क्वेश्चन नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ये वन अपॉन फाइव प्लस टू ट्वेल्व आयटा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लाओ, लाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा फिर जाके इसका कॉन्जुगेट निकालिए, ठीक पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका वन अपॉन फाइव प्लस ट्वेल्व आयटा इंटू करेंगे फाइव माइनस ट्वेल्व आयटा से ऊपर, नीचे भी फाइव माइनस ट्वेल्व आयटा से, अच्छा ऊपर बनेगा फाइव माइनस ट्वेल्व आयटा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पच्चीस, प्लस का ही हो जाएगा 144, ठीक है कितना होता है सेपरेट भी कर लेना, ये आप लोगों ने करा हुआ है पहले भी, अच्छा माइनस का आ रहा है ये जेड है ना, अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या होगा नीचे साइन चेंज, तो प्लस का बन जाएगा, बस यही फर्क होगा, नोट करो इसको फटाफट, ठीक ठीक
हो गया डन। अगर नीचे प्लस होगा तो ऊपर क्या आएगा? माइनस, और अगर नीचे माइनस होता तो ऊपर प्लस। बस बीच का साइन देख के काम करना, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे अगला। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? फिफ्थ। लिखो, राइट द, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टी की पावर 104। कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन है। आई टी की पावर फिर 202 और प्लस आई टी की पावर 306। 306 ही है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फटाफट अटेम्प्ट करेंगे जरा। -1, चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान सुनना। आई टी की पावर 4 पे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, हो जाता है, होता है। अब आई टी की पावर आगे बढ़ेंगे, अगर आई टी की पावर 5 होगी तो क्या लिखोगे उसको? कैसे लिख सकते हो आई टी की पावर 4 * आई टी लिख सकते हो? तो ये 4 को मैं 1 लिख दूंगा, * आई टी चलेगा, यानी आई टी आंसर आया। ऐसे आई टी की पावर 6 होगा तो इसको लिख सकते हो आई टी की पावर 4 * आई टी स्क्वायर। आई टी की पावर 4 कितना होता है? फिर से 1 * आई टी स्क्वायर होता है, माइनस में। फिर आई टी की पावर 7 होगा तो वो सॉल्व करके माइनस आई टी आएगा। आई टी की पावर 8 होगा तो 1 आएगा। हमने एक चीज देखी, 4 के बाद वैल्यू रिपीट कर रही है या नहीं कर रही है? लेकिन 4 के बाद रिपीट ज्यादा होते हैं, 4 के बाद रिपीटेशन आता है। यहाँ पे क्या हो रही है? वैल्यू क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। 4 के बाद देखो सारी वैल्यूज रिपीट कर रही है। ठीक है, अगर आप ऊपर की वैल्यू देखोगे, आईटा आईटा स्क्वायर माइनस 1 था, आईटा क्यूब माइनस आईटा था, तो वैल्यू रिपीट कर रही है या नहीं कर रही? देखो नीचे फिर से वैल्यूज क्या करना स्टार्ट करके रिपीट। तो ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं हम साइक्लिसिटी, या ऑर्डर एंड साइक्लिसिटी बोला जाता है इसको। ऑर्डर और साइक्लिसिटी ऑफ आयोटा, ऑर्डर या फिर साइक्लिसिटी किसकी? आयोटा की। क्योंकि इसके बाद वैल्यू क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। क्या कर रही है? रिपीट। जिस वैल्यू के बाद रिपीट करना स्टार्ट करते हैं उसे ऑर्डर या फिर साइक्लिसिटी बोलते हैं, कुछ लोग इसको पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा साइन होता है, साइन होता है, साइन एक फंक्शन होता है। साइन की साइक्लिसिटी जो पीरियड होता है 180 होता है, 180 पे 0 होता है, फिर से उसके बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट होता है। कर्व याद है ना साइन का? साइन का कर्व बनाया होगा ऐसा, ये जो पॉइंट होता है इसके बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। करना क्या है, निष्कर्ष ये है इस कहानी का कि कभी भी कोई भी आईटी की पावर में क्वेश्चन आएगा उसकी पावर को डिवाइड करना है 4 से। किससे डिवाइड करना है? 4 से, और रिमाइंडर से मतलब रखना, बस किससे मतलब रखना है? रिमाइंडर से। चलो देखते कैसे। 104 को डिवाइड करो 4 से, कितना आएगा? एग्जैक्ट डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। कितना आएगा? आता है डिवाइड करना? ठीक है, प्लस आई टी की पावर 202 डिवाइड होगा, कितना आएगा रिमाइंडर? 2। प्लस आई टी की पावर 306 डिवाइड करोगे कितना आएगा? कितना आएगा? 2। ठीक है, आई टी स्क्वायर 1, आई टी स्क्वायर माइनस 1, प्लस माइनस 1 चलेगा, कितना आएगा? 1 माइनस 1, और ये भी माइनस का 1। चलिए तो सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सा काम ये करना है, जब भी आईटी की पावर में कोई भी क्वेश्चन आए सिर्फ कुछ चीजों का याद रखना है। क्या? कि आपको रिमाइंडर से मतलब है। जैसे एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी, तब समझ आएगा। पहले इसको नोट कर लो आराम से। 2 में डालने मतलब, हाँ वो लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कुछ और भी देखेंगे अभी इसमें, एक और इसको साइड रख देते हैं। चलिए ध्यान सुनिए, आई टी की पावर कुछ भी आया आपके पेपर में, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, आई टी की पावर मान लो 78 है, आई टी की पावर यहाँ है 42 मान लो, बस 4 से डिवाइड करो पावर। किससे डिवाइड करो? 4 से डिवाइड करना आता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा करो बताओ? रिमाइंडर देखो 19 4 76 होता है एग्जैक्टली, 2 पावर बच जाएगी। कितनी पावर बच जाएगी? 2। प्लस इसको डिवाइड करोगे, 4 10 40 होगा और 2 पावर फिर बच जाएगी, तो ये बन गया माइनस आई टी स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये भी आई टी स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस माइनस 2 बन जाएगी। तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप 4 से डिवाइड करिए और उसके बाद क्या देखो, जो रिमाइंडर आया बस उससे मतलब रखो। ठीक है,
अब दिमाग में ये डाउट बन सकता है, आई टेक के पावर ऐसा भी हो सकता है 7, 6, 8, 9, तब क्या करें, क्या पूरे को 4 से डिवाइड करें? नहीं, सिर्फ लास्ट की दो डिजिट, कितनी डिजिट? दो डिजिट, ठीक है। घुमा फिरा के बात ये कि आपको लास्ट की दो डिजिट से मतलब है, कितनी? दो डिजिट से मतलब है, ठीक है, हमेशा लास्ट की दो डिजिट। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते थे, जैसे आईटा के पावर 104 था, तो आप खाली किससे करते, 04 यानी 4 से डिवाइड करते, कितना होता है, रिमाइंडर 0 आता ना, तो इसलिए यहाँ पे देखो आईटा के पावर 0 लिखा है, नहीं लिखा है, इसीलिए आईटा के पावर 202 था, 202 मतलब लास्ट की दो डिजिट, यही तो है, रिमाइंडर कितना आएगा, 2, तो देखो आईटा स्क्वायर है। आईटा की पावर 306, लास्ट की दो डिजिट कौन है, 6, 4 बन जा 4, रिमाइंडर कितना, 2, इसलिए रिमाइंडर 2 है यहाँ, ठीक है। तो लास्ट की दो डिजिट है मतलब रखना, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक, बहुत बढ़िया। 5 कितने भी डिजिट, 1000 डिजिट हो, बस लास्ट की दो डिजिट देखनी, कितनी देखनी, लास्ट की 2 डिजिट, उनसे मतलब रखना, ठीक है। ओनली जो काम की डिजिट होगी सिर्फ 2 ही डिजिट होंगी, बाकी किसी डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं होगा, हटा दो बाकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ रखा है, लिखेंगे, फाइंड द आर्ग्यूमेंट निकालना है ऑफ इसका आर्ग्यूमेंट निकालिए, 1 माइनस आईटा अपॉन 1 प्लस आईटा का आर्ग्यूमेंट निकालिए, कुछ नहीं होता, वेरी गुड, सबके सब निकाल दो फटाफट आंसर। ठीक, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना है टैकल, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8th, ठीक, 1 माइनस आईटा अपॉन 1 प्लस आईटा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे क्यों क्या आईटा आ रहा, क्या बनेगा ऊपर 1 माइनस आईटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी है माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऊपर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आईटा स्क्वायर इज माइनस 1, 1 ऐसी आईटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, यही होगा, और माइनस का 2 आईटा अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 आईटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना माइनस आईटा, इस माइनस आईटा जो आया आंसर यही आया ना माइनस आईटा, यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सही है। माइनस आईटा को एक काम करता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0 माइनस आईटा लिख सकते हैं, ए क्या होगा रियल पार्ट 0, बी होगा इमेजिनरी पार्ट माइनस 1, सही है। आगे आर्ग्यूमेंट निकालना है, क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, हाँ जी, आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका मैंने बोला, पहले टेन अल्फा फाइंड करो, मॉड बी अपॉन ए होता है, वैल्यू रखोगे कितनी आएगी, मॉड बी कितना होगा माइनस 1 अपॉन 0, ये होता है टेन अल्फा होता है नॉट डिफाइंड, कितना आया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कितने पे होता है, ये होता है 10 पाई बाय 2 पे, कितने पे होता है 10 पाई बाय 2, अल्फा आ गया पाई बाय 2, इतना सही है, अल्फा आ गया पाई बाय 2, सही है इतना, अल्फा आ गया पाई बाय 2, यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट किसी की जरूरत नहीं होगी, आंसर खुद ब खुद क्या आ जाएगा पाई बाय 2, नोट कर लो इसको, क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लाइन पे आ रहा है ना, दोबारा एक्सिस पे आएगा, जीरो है ना, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है ए कितना है, ये वाला जीरो, ए जीरो है ना, ऐसा आएगा, ए देखो
ये वाला जो पॉइंट होगा ए जीरो होगा यहाँ पे, क्या जीरो होगा, ए जीरो। और वाई कितना आ रहा है आपका पॉइंट, माइनस वन है ना, ये ना जीरो माइनस वन दिख रहा। ए कितना होगा जीरो, बी कितना होगा माइनस वन, ठीक है, इसीलिए आपका वाई एक्सिस में आएगा। ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 90, यानी पाई बाय टू, इसलिए इसका आंसर अल्फा पाई बाय टू अपने आप आ जाता है, ठीक है। हाँ कुछ ये सही है, अल्फा की वैल्यू पाई बाय टू। टेन अल्फा कितना होता है, नॉट डिफाइंड आया, टेन अल्फा होता है नॉट डिफाइंड, ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी कितने पे होता है, पाई बाय टू पे होता है, तो टेन पाई बाय टू, अल्फा बराबर पाई बाय टू आएगा। एक चीज याद रखना, आपको क्वाड्रेंट देखने की जरूरत कुछ कुछ जगहों में नहीं पड़ेगी, उसमें बिना क्वाड्रेंट देखे भी आपका आंसर आ जाएगा, कौन कौन सी जगहें हैं ये देख लो बस, कौन कौन सी है वो जगह जहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक यहाँ पे जीरो डिग्री पे, एक यहाँ पे जब आपका 90 पे होता है यानी पाई बाय टू पे होता है, एक आपका 180 पे यानी जब पाई पे, जब लाइन पे आता है, किस पे आता है लाइन पे, और जब क्या आएगा 270 यानी थ्री पाई बाय टू, या फिर 360 बन जाए कभी 2 पाई। इन जगहों पे आपको क्वाड्रेंट देखने की जरूरत है ही नहीं, वो फॉर्मूले में सीधा आपका आंसर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, पाई बाय टू आ रहा था, इसलिए आंसर से पाई बाय टू लिखना है। अगर अल्फा हमारा कभी पाई आ जाए, क्या आ जाए पाई, तो सीधा आंसर पाई लिखना है, क्वाड्रेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। कभी जीरो आ जाए, क्या आ जाए जीरो, तो भी क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर क्या हो जाएगा जीरो। समझ में आ गया, डन, इतना कर। ए बी हाउ लुक हियर, जीरो माइनस आइटा, देर इज नथिंग टू बी राइट ना, माइनस आइटा, वट यू कैन राइट जीरो माइनस आइटा, दैट्स राइट, ओके कंप्लीटेड। जीरो तो आपने दस से कहीं से भी आ सकता है, जीरो, ठीक है। हाँ जी, कॉस और साइन के बेस में अभी क्वेश्चन आएगा, आगे देखते हैं, मिल जाएगा कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हटा दूं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, लिखेंगे एक क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये सबको आता है करना है, इसलिए ध्यान से करना, हो भी जाएगा सबसे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दूंगा उसका सॉल्यूशन निकालना है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन होगी, ध्यान देंगे सबके सब, ये रही इक्वेशन। ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 बराबर जीरो, ये आपकी इक्वेशन है, जरा इसको फटाफट सॉल्व करिए, ठीक। ये लिखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करो, सिर्फ कुछ सॉल्यूशन मतलब ये होता है x के लिए निकालने, फॉर्मूला लगाना बस। फॉर्मूला क्या होता है, a कितना है पहले बताओ, b कितना है, c कितना है, पहले तो ये बताओ, a कितना होता है 21, b कितना होता है माइनस 28, सी कितना होगा 10। फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज द फॉर्मूला, अप्लाई करिए जरा फटाफट, फटाफट अप्लाई करो। यस ओके बढ़िया, तो जा चाहिए हाँ जी, प्लस माइनस दोनों रहेंगे, हाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर माइनस b माइनस 28 प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 4 एक हजार कितना आएगा 21 30 10 अपॉन 2a, 2a कितना होगा 21 2 इंटू 21 42 माइनस माइनस प्लस 28 प्लस माइनस अंडर रूट 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 का स्क्वायर 784 माइनस 21 4 जाए 84 840 आगे 28 प्लस माइनस अंडर रूट 784 माइनस 840 कितना होता है माइनस 60 नहीं कितना आएगा सॉरी माइनस का 56 है ना अपॉन 42 ठीक है इतना सही है आगे देखेंगे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग दैट इज सॉल्व इसको कैसे करेंगे 28 ऐसी प्लस माइनस अंडर रूट इसको लिख सकता हूँ 56 और आयटा बाहर निकाल लिया ठीक है आयटा निकाल लिया बाहर 56 को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीका ये आप लोगों ने करा है पहले 56 2 से जाता है 28 आएगा 2 अगेन 14 आएगा 2 अगेन 7 आएगा 7 अगेन 1 आएगा तो रूट 56 को लिखा जा सकता है रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 होता क्या है दो 2 की वजह से एक 2 बाहर आ जाएगा और 2 रूट बचेगा ये दो बचे रहेंगे 2 रूट 14 7 2 जा 14 तो 2 रूट 14 अंदर बचा रहेगा 28 प्लस माइनस 2 रूट 14 आया था अपॉन 42 कॉमन आ गया ऊपर 2 कॉमन आ सकता है ऊपर क्या कॉमन आ गया 2 बचेगा 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 आया था अपॉन 42 कुछ कैंसिल हुआ क्या बिल्कुल हुआ 21 तो x बराबर 14 प्लस माइनस रूट 14 आयटा अपॉन 21 इज द आंसर नोट करिए बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क देंगे इसी टाइप का हाँ यहाँ पे से माइनस है ना अंदर तो इसलिए क्योंकि हमें पता है एक क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए भी देंगे सेम ऐसी उसको घर से करना आराम आराम से फुर्सत में अच्छे से मजा बहुत आ चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन हटा दिए जल्दी जल्दी करो Then, next. नहीं नहीं बताता हूँ बात एक क्वेश्चन ये घर से करके लाना अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 5 ये घर से करके लाना बराबर से इसको घर से करके लाना ठीक है अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 रूट 5 को घर से अटेम्प्ट करके लाना बढ़िया करके ठीक इस टाइप के क्वेश्चन को घर से अटेम्प्ट जरूर करके लाइएगा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है कुछ बढ़िया क्वेश्चन है हटा दो ये हम लिखेंगे अगला क्वेश्चन 1 प्लस आयटा अपॉन 1 माइनस आयटा 1 प्लस आयटा अपॉन 1 माइनस आयटा की पावर n है बराबर 1 ठीक है ऐसे लिखा है फाइंड इसी वाली को फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एन की सबसे कम लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ऑप्शन है 1 2 3 4 ये रटा रटाया ज्ञान है चलो कैसे करना है ध्यान देंगे हमें चाहिए कितना कितना चाहिए आपने खुद बोला 1 चाहिए कैसे मिल सकता है वन ध्यान देना पहले तो इसको रैशनलाइज करो क्या करेंगे रैशनलाइज करा याद रखना वन के बराबर क्या बनेगा ऊपर वन प्लस आइटा का होल स्क्वायर नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर यानी नीचे तो टू बन जाएगा
नीचे क्या बन गया टू। सॉल्व करना सबको आता है, कर लेंगे, है ना भाई। वन प्लस आयटा स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करेंगे वो आएगा टू आयटा, कितना आएगा टू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना आता है, हो जाएगा। नीचे टू पहले से है, एन बराबर टू से टू कैंसिल, आयटा की पावर एन बराबर वन। हम लोग क्या बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग जब करी थी, आयटा की पावर वन, आयटा माइनस वन होता है, आयटा की पावर टू यानी आयटा स्क्वायर होता है माइनस वन, आयटा का क्यूब होता है तो माइनस आयटा, आयटा की पावर फोर होता है तो वन। तो एन हो गया कितना घुमा फिरा के फोर, दिस इज योर आंसर, एन बराबर फोर। ठीक है, जरूर नहीं अभी कराते कुछ, हो गया डन। बस इस चीज को याद रखोगे तो चीजें समझने में आसानी होगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि अगर वन प्लस आइटा अपॉन वन माइनस आइटा की होल पावर एन है और वन के बराबर है, चलो एक और करते जरा। कुछ और देखते हैं, एक और अगर मान लो ये ऐसा होता है, यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, टू प्लस टू आयटा अपॉन टू माइनस टू आयटा की होल पावर एन और वन, तभी भी यही होता क्योंकि ऊपर टू कॉमन आ सकता है, नीचे भी टू कॉमन आ सकता है, तो कैंसिल हो जाता है। दिमाग में क्या आती स्ट्रक्चर, वन प्लस आयटा वन माइनस आयटा की होल पावर एन बराबर वन, घुमा फिरा के बात तो वही है ना। ठीक है, तो टू हो थ्री हो ऊपर कुछ भी हो, बस कॉमन लेके कटेगा तो आंसर यही आएगा। बस जो प्राइमरी फॉर्म है बस इसको याद रखो, प्राइमरी फॉर्म ये वाली है, वन प्लस आयटा अपॉन वन माइनस आयटा की होल पावर एन बराबर वन, ये याद होगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखेंगे अगला एक क्वेश्चन और आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। हाँ भाई लिखेंगे, ऐसा लिखो मॉड वन माइनस आईटा की पावर एक्स बराबर टू की पावर एक्स, ऐसे ये बुक का ही क्वेश्चन है इसी, वन माइनस आईटा मॉड के अंदर एक्स बराबर टू की पावर एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नॉन जीरो होनी चाहिए और इंटीजर भी होनी चाहिए दोनों ऑप्शन। हाँ नहीं, नॉन जीरो इंटीजर कितनी, फाइंड द नंबर ऑफ बोला ना, एक वैल्यू होंगी एक्स की, दो वैल्यू होंगी, तीन वैल्यू होंगी, एक्स वैल्यू हजार भी हो सकती है, दो हजार भी हो सकती है, ऑप्शन होंगे वन टू थ्री फोर, मतलब एक वैल्यू आएगी एक्स की या दो वैल्यू आएगी या तीन चार कितनी वैल्यू आएंगी या वैल्यू आएंगी ही नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, सोचो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मॉड निकालना है, मॉड कैसे निकालते भाई, कितना आएगा अंडर रूट टू एक्स बराबर टू की पावर एक्स, यही होगा मॉड निकालना आता है ना सबको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना था वन, बी कितना था माइनस वन, निकालते तो क्या आता अंडर रूट टू आता था माइनस वन, वन माइनस आइटा को देखो ना खाली, ए हो गया वन बी हो गया माइनस वन, तो अगर हम मॉड निकालेंगे इसका, इस चीज का मॉड, तो क्या होता है अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, तो कितना आता है रूट टू, रूट टू मतलब टू की पावर हाफ बोल सकता हूँ और पावर एक्स पहले से, ये बन जाएगा टू की पावर एक्स अपॉन टू बराबर टू की पावर एक्स। आगे देखो इतना सही पहले, अब चाहे तो इसको सॉल्व करो या जो मर्जी करो, बस इधर सुनो ध्यान से, ऐसे लिख सकते इसको टू की पावर एक्स, ये इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा टू की पावर एक्स बाई टू चलेगा बराबर वन। ठीक है ना, बे हाँ जी, बेस सेम पावर इक्वल एक्स बाई टू एक्स के बराबर होगा, एक्स एक्स तो कैंसिल, एक्स तो निकलेगा ही नहीं, फिर हमें तो एक्स निकालना ही है ना।
यही बोल रहा ना, x बाई टू एक्स के बराबर हो जाता, ले सकते हो x की वैल्यू वन। अभी देखते हैं इसको, देखो ये सही है, पहले बताओ बेस सेम है, पावर क्या होती है, माइनस होती है, x माइनस x बाई टू कितना होता है, यही इसको टू की पावर जीरो, अब सही है ठीक है। x बाई टू किसके बराबर होता है, जीरो के, x कितना आता है, जीरो टू जा जीरो, लॉग क्यों लेंगे, हाँ इधर देखो, अरे यहाँ तक ठीक है, अरे यहाँ तक ठीक है, आगे देखो कुछ लोग बोले ऐसा कर सकते हैं, x बाई टू x के बराबर हो सकता था, यही बोलना चाहिए, x x कैंसिल हो जाता और क्या होता, तो x की वैल्यू निकली कहाँ, लेकिन टारगेट तो ये ना x की वैल्यू निकालनी है, टारगेट क्या है, x की वैल्यू निकालनी है या नहीं है, टारगेट तो घुमा फिरा के यही है, या तो ऐसा काम करना सही नहीं है, बताओ ये सही है, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड ही तो होगा, बेस सेम है पावर क्या हो जाती है माइनस, बेस सेम है दोनों में, बीच में डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, x में से x बाई टू कैंसिल करा कितना आएगा, x बाई टू, टू की पावर x बाई टू बराबर वन आएगा, तो किसकी पावर वन होती है, टू की पावर जीरो की, तो x बाई टू बराबर जीरो, x कितना आ गया जीरो, कैलकुलेट करो एक बार, बहुत सिंपल चीज़ है, बता क्या नहीं आया समझ, बोलो बोलो क्या नहीं आया समझ, हाँ हाँ बोल, किधर, हाँ अरे जैसे बचपन में खुद ही तो करा तुमने, हाँ नहीं तो, अरे a बराबर टू होता था, अगर ये नीचे जाएगा a अपॉन टू, तो यहाँ वन नहीं बचेगा, वही चीज तो, क्या मॉडुलस खोलना बता दो, मॉडुलस खोला कहाँ है, फॉर्मूला तो वन माइनस आइटा का मॉड नहीं निकालना आता, सिंपल तो निकालो अपन, क्या जी बच्चे, चलो और बताओ हो गया इतना, अब करते हैं इसमें, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए सारे के सारे, कुछ एडवांस में आते हैं, स्टैंडर्ड ज़रा बढ़ाते हो ठीक, ये हो गए सारे बेसिक क्वेश्चन ठीक है, हैंड डालेंगे अगली, ये टॉपिक हो गया खत्म, अगली हैंड डालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी करते हैं सब करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट, राइट लिखेंगे, देखो जैसे बचपन में हम लोग करते थे, टू एक नंबर होता है, इसका स्क्वायर रूट आपने निकाला होगा रूट टू करके, ऐसे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रूट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे सबके सब, जैसे अच्छा ये बताओ 25 का रूट कितना होता है, 5, तो मतलब अगर हमने रूट के अंदर कोई रियल नंबर रखा तो आंसर भी क्या आया, रियल आया है ना, ये रूट 25 रखा, 25 एक रियल नंबर है, तो आंसर भी क्या आया 5, वो भी एक रियल नंबर है, जैसे रियल नंबर का रूट रियल होता है वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ठीक है, ये चीज पहले तो दिमाग में बिठा लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब अगर मैंने रूट ए प्लस आइटा भी निकाल रखा है तो आंसर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, एक्स प्लस आइटा वाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पहले तो यही लिख लो ठीक है, ये प्लस माइनस बाहर ऐसे एक्स माइनस, हाँ जी करा तो बचपन से, क्या करता है, रूट 25 खुलता था प्लस माइनस 5 आता था ना, वैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी खुलेगा तो प्लस माइनस दोनों आंसर आएंगे ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे x निकालने का फॉर्मूला लिखें, x बराबर फॉर्मूला लिखो, x बराबर a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 और इस क्या अंडर रूट पूरे का, y बराबर, अगर y निकालना हो x और y की वैल्यू मिल जाए तो आंसर डन, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 और यहां पे इसका भी अंडर रूट,
ये हो गया एक्स और वाई की वैल्यू। क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से लिखेंगे सब कुछ। पहले फॉर्मूला लिख लो आराम से, क्वेश्चन लिखेंगे। अंडर रूट निकालना है 3-4 आयोटा का, तो खुद देख के बताओ ए कितना है और बी कितना है। ए बराबर 3, बी बराबर -4। फॉर्मूले में पुट करो, पहले एक्स निकालो, एक्स कितना आएगा फॉर्मूले में खुद पुट करो। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 अपॉन 2, यही होगा। अंडर रूट 3 प्लस 5 कितना होता है 8, 8 अपॉन 2 कितना होता है 4, एक्स बराबर 4 अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट 4 बराबर मतलब 2, एक्स का मान आ गया 2। वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं करा, वैल्यू पुट करना सबको आता है, करो जरा फटाफट, देखो सही है इसीलिए ठीक है। ऐसे वाई निकालो जरा, वाई निकालो जरा फटाफट, वाई कितना आ रहा, ठीक है। तो पहले लाइन यही बोलती कि अंडर रूट निकालना हो 3-4 आइटा का मान लो, तो बराबर होता है प्लस माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, बोला था या नहीं बोला था, तो 2 प्लस आइटा वाई यानी 1 आइटा है ना, वाई की जगह क्या है 1 ही तो है, तो 2 प्लस ऐसे लिखे हैं प्लस माइनस 2 प्लस आइटा इज द आंसर, प्लस माइनस 2 प्लस आइटा इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला अंडर रूट 5+12 आयटा, जरा इसका नोट करके दिखाओ, 5+12 आयटा ए और बी को लिखो और इसको नोट करो, अटेम्प्ट करके दिखाओ, फॉर्मूला आप सबके पास है, अटेम्प्ट करिए। अंडर रूट सॉल्व करो पूरा कंप्लीट, कितना आया नाइन एंड फोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ एक्स और वाई दोनों रखना है निकालने, ठीक है। आंसर आएगा प्लस माइनस 3+12 आइटा, 2 आइटा सॉरी, ठीक है। अगली एडिंग डालेंगे, अगली एंड डालिए, हाँ अगली एंड डालो, लास्ट चीज कहीं डालो, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड आइलर फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड आइलर फॉर्म, ये लास्ट चीज बची है, इसके बाद एक टॉपिक और है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बस, ठीक है। पोलर फॉर्म है, ध्यान से देखना, पोलर फॉर्म होती है मॉड ऑफ जेड को आप लिखते हो, मॉड ऑफ जेड को हम आर से डिनोट कर रहे हैं ये ध्यान रखना, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो निकाला था उसको थीटा से डिनोट करें, पहले ही ध्यान रखना, ठीक है।
ठीक है हाँ, z बराबर होता है फॉर्मूला r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, दिस इज पोलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? पोलर। और अगर आइलर निकालनी होगी, आइलर होता है r e आईटा थीटा, r होता है, ठीक है जैसा लिखा वैसे सही है वो, ठीक। ठीक, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बस यही याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे इसी में से, एक छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, इस पोलर फॉर्म को एक और नाम देते हैं, पोलर फॉर्म को ही, ये पोलर फॉर्म जो इसको बोलते हैं मॉडलेस आर्ग्यूमेंट फॉर्म, मॉडलेस आर्ग्यूमेंट फॉर्म लिख सकते हैं इसका दूसरा नाम, मॉडलेस आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, हाँ मॉडलेस आर्ग्यूमेंट फॉर्म या मॉडलेस एम्पलीट्यूड फॉर्म, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में लिखा हुआ आता है कभी कभार, ठीक है, या एम्पलीट्यूड फॉर्म, ठीक लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है माइनस वन प्लस आइटा को पोलर फॉर्म में लिख के दिखाइए, माइनस वन प्लस आइटा को पोलर फॉर्म में लिख के दिखाओ फटाफट, माइनस वन प्लस आइटा को पोलर फॉर्म में लिख के दिखाओ फटाफट। माइनस वन प्लस आइटा, ठीक है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में पहले आर निकलेगा, आर निकालने का तरीका था पहले तो आप ए और बी निकालो, ए कितना है माइनस वन, बी है वन, ठीक है। अब ध्यान से, आर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन, कितना आएगा रूट टू, आर बराबर रूट टू आया। इसके बाद थीटा निकालने के लिए पहले आप टेन अल्फा निकालिए, टेन अल्फा क्या होता है मॉड बी अपॉन ए होता है, नहीं होता बिल्कुल, वैल्यू रखेंगे कितना आएगा टेन अल्फा बराबर पाई बाय, ये आएगा वन, कितना आएगा वन, माइनस वन के नीचे वन आएगा ना, तो मॉड के बाहर निकालोगे वन ही बचेगा, वन कितने पे होता है पाई बाय फोर पे, यानी टेन पाई बाय फोर पे, अल्फा आएगा, अल्फा आ गया पाई बाय फोर। अब सवाल ये बना हमारा, अल्फा अगर पाई बाय फोर है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका होता है थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, यही था, तो थीटा बराबर पाई माइनस पाई बाय फोर, कितना आएगा थ्री पाई बाय फोर, ये थीटा की वैल्यू भी आ गई। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका हमने खुद डिस्कस करा अभी यहाँ पे, वो होता है हमारे पास जेड बराबर आर की जगह पे रूट टू आएगा, कॉस थीटा की जगह कितना आएगा देखो थ्री पाई बाय फोर प्लस आईटा साइन थ्री पाई बाय फोर इज द फाइनल आंसर, इज द फाइनल आंसर। सेकंड वाली फॉर्म, अगर यही आइलर में लिखना होता तो आर की जगह आता रूट टू ई, आईटा की जगह आईटा, थीटा कितना है थ्री पाई बाय फोर, तो ऐसे इंटू थ्री पाई बाय फोर, ठीक। हाँ आइलर में, आइलर में अगर आइलर में लिखना होता दूसरा फॉर्म में, ठीक है। लिखा होगा आइलर है कि पोलर है, क्वेश्चन में लिखा है, yeah?
आगे लिखो नेक्स्ट, मुझे क्या होता है मैं थोड़ी लिख दूँ। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना है, बाद में कर देना, अभी दे देंगे। लास्ट हेडिंग डालो सबके सब, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमारे पास तीन होते हैं, एक वन होता है, एक ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर। ये याद रखना, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, सबसे पहले इसमें दो फॉर्मूले, ओमेगा क्यूब होता है वन के बराबर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस मतलब जीरो के बराबर, ठीक है। इसी से हम तीन चीजें और निकाल सकते हैं, पहला वन प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर साथ आ गए तो बराबर माइनस वन के, खुद ही सोचा अगर ये दोनों साथ ले लिए तो प्लस का वन होता जाके माइनस का। तीसरा फॉर्मूला इसका जो हो सकता है, अगर वन और ओमेगा स्क्वायर को साथ ले लिया, वन और ओमेगा स्क्वायर को साथ ले लो उधर जाएगा माइनस ओमेगा, तो ये तीन फॉर्मूले और निकल गए इससे, ठीक है, जो हम यूज करेंगे हर एक क्वेश्चन में। कैसे करेंगे क्या करेंगे उसके लिए कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखना भी। हो गया नोट, चलिए आगे देखेंगे। आगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बाद इसमें एक चीज और है, पहले ये समझते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देखेंगे। ऐसा है क्वेश्चन, 2 + 5 + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 + 5 + 2 ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 6, इसकी वैल्यू निकालिए। देखेंगे ध्यान से, 2 और 2 ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं, +5 होल पावर 6। 2 कॉमन आया, 1 + ओमेगा स्क्वायर + 5 = पावर 6। अच्छा 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा, +5 पहले से बैठा है होल पावर 6, माइनस का 2 ओमेगा, तो घुमा फिरा के बात ये 5 - 2 ओमेगा की होल पावर 6 है ना। अब तो ये निकालना आसान है फिर भी, ठीक है, नहीं निकाला जाएगा तो करके दिखा रहा भाई, देखो ज़रा ध्यान से। अरे कुछ गलती करी क्या, टू प्लस टू ओमेगा स्क्वायर, अच्छा इसमें एक चीज और मिसिंग थी, रुक जा क्वेश्चन ही गलत हो, यहाँ पे 5 ओमेगा भी होगा, रुको रुको रुको, कोई नहीं कोई नहीं, 2 प्लस दोबारा करा देंगे, लिखो 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन होल पावर से ऐसे दे रखा, ठीक है। अब देखो 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर को साथ लिखो, प्लस का 5 ओमेगा पहले से होल पावर 6, इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, हाँ वो गलती कर दी, गलत कर देता हूँ, हाँ भाई 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस का ओमेगा, +5 ओमेगा पहले से, माइनस का 2 ओमेगा 5 ओमेगा कितना आएगा, 3 ओमेगा, तो 3 ओमेगा की पावर 6, 3 की पावर 6 अलग, ओमेगा की पावर 6 अलग,
अच्छा 3 की पावर 6 कितना होता है? 3 की पावर 6 3 की पावर 6 कितना होता है? 729। और ओमेगा की पावर 6 है, ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो आंसर 729। नहीं वो मतलब अभी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के अलग होते हैं, माइनस और प्लस का फर्क होता है। अगला कलाकार बैठे वैसे क्लास में। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। लिखेंगे एक क्वेश्चन और, लिखेंगे अगला। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है। अटेम्प्ट करिए जरा फटाफट, एक बार फटाफट इसको अटेम्प्ट करो। गलत, ध्यान से देखना हो जाएगा अभी। इधर सुनिए ध्यान से, एक काम करते ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बनाओ या नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह बनाओ, तुम्हारा है ऑनर्स ठीक है। आप ऊपर वाले नीचे वाले को सेम बनाने की कोशिश करते, ध्यान से सुनना, मतलब ये कहना चाह रहा हूं ऊपर वाले में ए अकेला है लेकिन ए के साथ यहाँ क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो एक काम करता हूँ नीचे वाले में और यहाँ पे बी क्या है ओमेगा है, यहाँ बी क्या है अकेला, तो नीचे एक काम करते हैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा से, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर भी करना पड़ेगा, अभी करेंगे इसको भी, एक ओमेगा यहाँ रख दो क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, अच्छा करना पड़ता है ना, इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, अंदर मल्टीप्लाई करो बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब, और एक ओमेगा है पहले से। अब सवाल ये है ध्यान सुनना, ऊपर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ऐसी, नीचे बताओ ए ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो बचेगा ए प्लस बी ओमेगा ऐसी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर आ गया नीचे और इंटू ओमेगा पहले से, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया क्या, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, देखो ऊपर नीचे क्या हो गया कैंसिल, 1 इंटू ओमेगा आंसर क्या होता है ओमेगा आ गया आंसर बस ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज हुई, जैसे ऊपर है वैसे नीचे बनाना है ठीक है, सेम बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करा, नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करा, अगर जिस नंबर से नीचे करते हो उससे ऊपर भी करना पड़ेगा इसलिए ऊपर भी करा, फिर हाँ ऊपर वाला लगेगा, अंदर तो मल्टीप्लाई नीचे वाले में करा ना खाली बस। क्या ये वाला, ये वाला ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, लिखाया तो था ओमेगा क्यूब, अभी 1 नहीं लिखाया हाँ, एक फॉर्मूला लिखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिट, जब हेड एनालाइज थी तभी तो लिखा दिया ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, थैंक्स भाई।
अगला क्वेश्चन, पहले बताओ मोहमाया दो लड़कियों के नाम कौन से? मोहमाया तो ठीक है, उसमें भी लड़कियों के नाम ले लो बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ो कोई नहीं, जो भी है ध्यान से सुनिए। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा देखो होता क्या है, ये टॉपिक सुन लो बस, लास्ट काम का यही टॉपिक। कभी भी पेपर में ऐसा पूछे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z-2/z+2 क्वेश्चन आया है पेपर में और बराबर 1 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है बराबर, और बोलेगा ये बताओ कि यहाँ पे जो z है वो कौन सी, किस लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है या किस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बोला, क्वेश्चन आएगा ऐसे और बोलेगा कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो किस शेप या किस लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3-4 शेप दे देगा। ठीक है, क्लियर हुआ, 3-4 शेप दे देगा। ठीक, अब आपको ये याद रखना है, सिंपल सी बात ऐसी, आपके पास शेप जो होती है एक सर्कल होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म से x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये फॉर्म सबने पढ़ी होगी सर्कल की, कॉनिक सेक्शन अगर पढ़ा है तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद पैराबोला की इक्वेशन होती है, कोई नहीं, पैराबोला होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म। हाइपरबोला, हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। लास्ट इलिप्स, इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये इक्वेशन लिख लो अभी, बाकी जो हिंदी में, हिंदी में लिखा देंगे बाद में इनके नाम। ठीक है, इक्वेशन लिख लीजिए बस, ये चार। सर्कल को वृत्त बोलते हैं, ठीक है, वृत्त बोला, ठीक है, नोट कर लो बस फटाफट इन इक्वेशंस को। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन की, लाइन के भी इक्वेशन पता होना चाहिए। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हाँ लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म मान लो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर ऐसे मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये भी हो सकती है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ये इक्वेशन सबको आनी चाहिए, यहीं से हमारा टॉपिक बनना स्टार्ट होता है। सबकी क्वेश्चन पता होनी चाहिए भाई, है है, अभी कॉनिक सेक्शन आएगा, पूरा कॉनिक सेक्शन आएगा, वो भी करवाए, 5 और 6 को होगा कॉनिक। ठीक है, सारे चैप्टर होंगे तुम्हारे बहुत सारे, आज शाम को लॉगरिथम की क्लास है, ठीक है, लॉगरिथम चैप्टर होगा, उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन होगी वो, ठीक है, यूट्यूब में, ठीक है, फोन दिलवा देंगे, यहाँ से बात कर लूँगा मैं, ठीक है, ठीक है। टाइमिंग 8 से 9 ऑनलाइन क्लास होगी ना यूट्यूब में अगली शाम को लॉगरिथम की, क्यों करूँगा फोन, ठीक है, क्लास आ जाएगी अपने आप, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ठीक, पूछे जरा थोड़ी पढ़ रहा हूँ, 100 लोग होंगे, आगे लिखो, नेक्स्ट आगे हटा दे। अरे उसने तेरे को देख लिया भाई, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, बताओ। अगला है ये वाला, वो ऐसी है, उसको बस इक्वेशन लिखनी थी वहां पे, अभी आएंगे उस पर, जब तुम कॉनिक पढ़ लोगे उसके बाद कर पाओगे ना उन क्वेश्चंस को, वो पूरा एक टॉपिक है, चैप्टर है पूरा वो।
कॉनिक चैप्टर भी लेंगे, कॉनिक सेक्शन वाले भी क्या? हाँ मैं दे दूंगा, हिंदी में लिखा दूंगा। पहले जरा इसको फाइंड करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा फॉर्मूला, फटाफट बताइए। वो भयंकर प्लस होगा, क्या होगा बताइए, बड़े मजेदार आंसर आएंगे। एक एग्जांपल लेके करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले नोट करो, देखो इधर z लेके चलते, एक काम करते हैं, z को मैं ले लेता हूँ 1 plus i, ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसका आर्ग्यूमेंट आप लोग निकालेंगे, ये आएगा पाई बाय 4। निकालना सबको आता है? अगर मान लो z बार की बात करूं, z अगर 1 plus i है, z बार आएगा 1 minus i, 1 minus i के बारे में बात करी जाए तो इसका पहले tan alpha निकलेगा, mod b upon a फॉर्मूला होता है, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा ये, मतलब 1 आएगा ना, अल्फा, tan अल्फा बराबर tan पाई बाय 4, अल्फा आ जाएगा पाई बाय 4, चलेगा? अल्फा अगर पाई बाय 4 आया, कौन सा क्वाड्रेंट है कोई बताएगा? फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। अल्फा बराबर थीटा बराबर क्या होगा, माइनस अल्फा, माइनस अल्फा मतलब माइनस का पाई बाय 4। तो ये आया कितना, देखो पाई बाय 4, इसका ही सॉल्व करके, इसके सॉल्व करके कितनी आई हमने निकाली, माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, आंसर कितना आया, अरे आंसर कितना आया, 0। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार कितना होता है, 0, ठीक। हो गया डन, ठीक, क्लियर। और कुछ बचा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने के लिए? कौन सा छोड़ा वाला, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर भी एक क्वेश्चन करा देता हूं वैसा, ताकि तुम्हें आ जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, करवा तो करो, बहुत दूरा क्वेश्चन है ना, देखने देख सही भी गलत है। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, मॉड के अंदर ये वाला क्वेश्चन देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बराबर। 2 दे रखा है, ऐसा चेंज है थोड़ा सा, ठीक है, अलग कुछ, इजिकल टू 2 है, बताना है ये लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को या फिर पैराबोला को, ऑप्शन है लाइन, सर्कल, पैराबोला या नन ऑफ दिस, ठीक है। ये इक्वेशन है, यहाँ पे जो जेड है, ये जेड दिख रहा, जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को, हाइपरबोला को, सर्कल को या नन ऑफ दिस को, ठीक है, लेके चलेंगे, ध्यान देंगे सबके सब। z की जगह मैं पुट कर सकता हूं x प्लस आइटा वाई माइनस 2 अपॉन x प्लस आइटा वाई प्लस 2 बराबर 2, चलेगा ये चीज, ध्यान देखेंगे। जब भी मॉड आएगा, एक चीज और इसमें मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 एक साथ प्लस आइटा वाई, नीचे x प्लस 2 एक साथ प्लस आइटा वाई बराबर 2। अब देखो ध्यान से, मॉड कैसे सेपरेट, ऊपर वाले का मॉड अलग, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नीचे वाले में भी x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे और प्लस y स्क्वायर बराबर 2। अच्छा, रूट हटेगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, रूट हट जाएगा अपने आप, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, चलेगा, नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, चलेगा ये चीज, ठीक, क्लियर इतना, आगे देखेंगे। नोट करना है, कर लो नोट, साथ साथ नोट भी कर लीजिए। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखना आगे, ठीक है।
हाँ ऐसे आएगा बस। कौन सी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी फिगर, लोकस, फिगर शेप को। ठीक है फोर को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, फोर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे। ठीक करते रहो साथ साथ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस फोर वाई प्लस वाई स्क्वायर, फोर अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x प्लस का 4y स्क्वायर। सेम साइड में आप लोग कलेक्ट करेंगे जब, इसको उधर भेजेंगे, 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस होगा 3x स्क्वायर, सेम 4y स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर माइनस होगा 3y स्क्वायर, और कौन जाएगा माइनस का 4x उधर आके प्लस का, तो प्लस का 20x हो रहा है और y तो बचा नहीं 12, चार इधर है माइनस, तो उधर जाके प्लस का 12 बराबर 0, यही आएगा आंसर। ये जो इक्वेशन होती है किसकी इक्वेशन होती है पता है, ये सर्कल की इक्वेशन है। क्यों है सर्कल की इक्वेशन, ध्यान सुनना, सर्कल की इक्वेशन तब होती है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कोनिक में, जिसने पढ़ा है कोनिक उसको पता है, इसलिए मैं कोनिक का इंतजार बोल रहा था। इफ कोफिशिएंट ऑफ, लिख लो भाई साथ साथ, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की। एक वृत्त की इक्वेशन होने की या सर्कल की इक्वेशन होने की ये कंडीशन होती है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सेम आना चाहिए। जैसे कितना आ रहा है यहाँ 3, यहाँ भी कितना आ रहा है 3, सेम आना चाहिए। ठीक है यही सिखाना है आपको कोनिक में, यही पहचानना सिखाना है, यही मेन चीज है। ठीक है इन्हीं पे काम करेंगे अच्छे से, क्लियर। तो ये लास्ट टॉपिक था जो करवाना था, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ और नहीं बन सकता। ठीक है बाकी एक आध क्वेश्चन जो होंगे उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करेंगे, देखो चलेगी लाइव क्लास जो चलेगी 3 तारीख तक प्रॉपर लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है दो दो लाइव क्लासेस पर डे, एक सुबह एक शाम। ठीक है तुम्हारी 6 लाइव क्लासेस होंगी, 6 लाइव क्लास में कोशिश करेंगे 6-7 चैप्टर निपटा दें अच्छे से। ठीक है इतनी गारंटी है। उसके बाद जब स्टार्ट होगा मतलब 5 तारीख या 6 तारीख जब भी इससे भी स्टार्ट होगा और जब तक एग्जाम चलेगा, ठीक है तब तक हम लोग प्योरली बस क्वेश्चन पे काम करेंगे। इस पे काम करेंगे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है तब हम और भी क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डी मूवियर थ्योरम वाला क्वेश्चन हो या कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी काम है सिर्फ चैप्टर्स को कवर करना। अब आप लोग इस पे बेस एनसीईआरटी कर सकते हैं अपने आप, 11th क्लास की एनसीईआरटी हो जाएगी बिना कोई दिक्कत बिना कोई परेशानी के। ठीक है अब सारी चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल चाहेंगे तो आरएस अग्रवाल भी कर सकते हैं। ठीक है इतनी थ्योरी तो हो जाएगी आरएस अग्रवाल। ठीक है दो बुकें कर लेना, आरएस अग्रवाल और कौन सी एनसीईआरटी। चलो तब तक ले बाय बाय एंजॉय, शाम क्लास में मिलते हैं।